गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज सिमी अलॉन्ग योर फिजिक्स टीचर एज वी आर डूइंग सेकेंड यूनिट दैट इज कैनैटिक्स इन माई प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द डिस्टेंस एंड डिसप्लेसमेंट टूडे वी विल लर्न अबाउट सम मोर वेरिएबल लेट इज स्टार्ट फर्स्ट स्पीड स्पीड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम स्पीड का मतलब क्या है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम कि एक यूनिट टाइम में बॉडी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है अगर आप इसको नॉर्मली कहें तो स्पीड क्या है एक गति इसको हमने अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें कितने रेट से कितनी गति से कोई बॉडी जो है वो चल रही है तो स्पीड को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे कि पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो कितना टाइम ले रहा है तो ये जो रेशो है ये हमें रेशो बताएगी स्पीड के बारे में नाउ अब हम स्पीड को जब हम मेजर करते हैं तो कौन से यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं वी नो द डिफरेंट सिस्टम लेटेस्ट से कि इन ऐसे सिस्टम अगर ऐसे SI सिस्टम आप चूज कर रहे हो तो उसमें स्पीड के यूनिट्स हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड एंड इन C.G.S. system सिस्टम और सीजीएस यूनिट जो होंगे स्पीड के वो होंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड डायमेंशनल formula होगा एम जीरो एल टी माइनस वन क्योंकि स्पीड क्वांटिटी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती इसकी यूनिट्स आपने देखा मीटर पर सेकेंड है तो डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा एल टी माइनस वन नेक्स्ट देर इज अ थिंग दैट हाउ यू विल कन्वर्ट किलोमीटर पर रन इंटू मीटर पर सेकेंड नॉर्मली द यूनिट ऑफ स्पीड दैट वी यूज इन आर डेली लाइफ As the speed of the vehicle they are measured in kilometer per hour, but if we want to convert the kilometer per hour in meter per second, that means we want to convert into SI system. How can you convert so this is a shortcut by this you can use this formula or use this relation to convert kilometer per hour into meter per second directly. वन किलोमीटर पर आर वन किलोमीटर मीन्स थाउजेंड मीटर के इक्वल पर आर पर आर का मीनिंग है कि हमने और को डिवाइड टाइम को यहाँ पर हमने डिवाइड में लिया है तो पर आर मीन्स और हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड सो वेन यू सॉल्व इट टू जीरो विल बी कैंसल एंड इट विल बी कैंसल बाय टू टू इंटू फाइव टेन और ये कट हो जाएगा एटीन से सो यू विल गेट फाइव बाई एटीन मीटर पर सेकेंड तो अगर आपके पास कोई स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आर में गिवन है और आपने उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में तो आप उस वैल्यू को क्या करोगे फाइव बाई एटीन से मल्टीप्लाई करोगे फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आर और आपको क्वेश्चन गिवन है कि आप इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो सो हाउ यू विल डू यू विल मल्टीप्लाई 30 बाय 5 बाय 18 एंड वी विल गेट द आंसर सो इट विल बी इट विल बी कैंसल आउट बाय 3 3 6 18 और टू थ्री दिक्कस टू फाइव द टेन सो यू विल गेट फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव बाई थ्री मीटर पर सेकेंड ओके सो सुवेयर वी हैव कन्वर्टेड द स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट थिंग दैट स्पीड इज ए स्केलर क्वान्टिटी जो स्पीड है वो कैसी क्वान्टिटी है वो एक स्केलर क्वान्टिटी है यहाँ पर बॉडी की हम डायरेक्शन जो है वो कौन कितनी स्पीड से वो मूव कर रही है यहाँ पर ये नहीं हम चेक करेंगे कि वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है बिकॉज हेयर द इन फॉर्मार्मूला ऑफ स्पीड वी हैव रिटन द डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वान्टिटी देयर फोर द स्पीड इज ऑल्सोवेज स्केलर क्वान्टिटी नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव कि इसकी जो वैल्यू है स्पीड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस जो है वो खुद में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता हम एज आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस वीडियो सो द स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव सो वी हैव जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट वट इज